ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है, हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, आपका मैनेजमेंट नियंत्रण में है। नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको सेट करते हैं, हमको इसकी बात पोस्टर आपका ये अध्यक्ष है, आपका पोस्टर इनको हम बोले हैं कि आपका पोस्टर लगा देंगे, आपसे परामर्श मांग लेंगे। नीतीश कुमार से मिले हैं, नीतीश कुमार से वन टू वन मीटिंग होने वाली है नीतीश कुमार के साथ, आ गए दिल्ली पहुंच चुके हैं। मैं सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। पार्टी की दो दिवसीय बैठक है, आज शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक होगी, कल 11 बजे विट्ठल भाई पटेल हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो फैसले बैठक में लिए जाएंगे उनसे आपको अवगत कराया जाएगा। अटकलें ही सही लेकिन सफाई देने के लिए तेजस्वी यादव को सामने आना पड़ता है, वो कहते हैं कि हर पार्टी को हक है बैठक करने का, राष्ट्रीय जनता दल भी करती है, जो भी अफवाहें चल रही है वो निराधार है, अगर कुछ है नहीं तो उनको सफाई देने के लिए सामने क्यों आना पड़ता है। आप लोगों ने अफवाहों का बाजार इतना हाइप कर दिया है कि उनको भी जवाब देना पड़ रहा है, हमें भी देना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बीच में जवाब देने पर आ गए, लिहाजा मैं पुनः एक बार सारी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। 2024 के चुनाव के मुताबिक संगठन में फेरबदल हो सकता है, इसकी संभावना है? ये सब चीजें पार्टी के आंतरिक मामलों की चीजें हैं, इस पर सार्वजनिक तौर से न टिप्पणी की जाती है न बयान दिए जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है, कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है।